कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फॉर्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फॉर्मूला वर्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फॉर्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम, संभालेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान संभाल सकते हैं। अब डॉलर वंस 80 पे 200 क्रॉस कर रहा है और अब आप बात कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं थी ये डिवैल्यूएशन की। ये डिवैल्यूएशन करने वाले जाहिल हैं। ये जितने भी बाहर से आते हैं पढ़ लेते हैं, ये जाहिल हैं, जाहिल मुतलक हैं, जो के डिवैल्यूएशन कराते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। जरूरत ही नहीं थी इनको, और इनको समझ नहीं आई कि जितना हमारा कर्जा है वो डबल हो गया। अगर पहले 30 बिलियन था तो अब हमें 60 बिलियन देना पड़ेगा। मगर कोई मसला नहीं है पीपुल्स पार्टी के लिए, इनके लिए मसले हैं। इसलिए कि ना जन है ना तन है। जब मुझे पावर दिया तो मुझे सुपर पावर ने कहा कि तुमको हमने सबसे मजबूत प्रेसिडेंट सिविलियन बनाया है। बिल्कुल सही बात है, आपने सही किया है। मैंने 3 महीने बाद सारी पावर पार्लियामेंट को ट्रांसफर किया। इसलिए कि हमारी तारीख से, हमारे फॉल्ट लाइन से, पाकिस्तान के मसलों से सिर्फ आप और मैं वाकिफ हैं। कोई तीसरा कहां से भी आ जाए, कैसा भी होशियार हो, आइंस्टाइन दोबारा कब्र से निकल के आ जाए, वो हमारे मसले हल नहीं कर सकता, उसको पता नहीं है। कि आपने नौकरियां दी हैं तो उसने कहा कि हाँ अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म मैं करती रहूंगी। जैसी चंद्र सितारा रहंदा, भुट्टो तो जाना रहंदा, जैसी अजरक वारा रहंदा, भुट्टो तो जाना रहंदा, जैसी टोपी वारा रहंदा, भुट्टो तो जाना रहंदा। मुल्क संभालना, इस मुल्क को चलाना, पाकिस्तान जैसे मुल्क को चलाना, और पावर ऑफ ज्योग्राफी है, कैप्चर्ड ऑफ ज्योग्राफी भी है। नैप चला रहे हैं, इनके अपने सेक्रेटरीज किसी को साइन करने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी एग्रीमेंट पे किसी, हालांकि अभी रिलैक्सेशन दे रहे हैं नैप में। इससे क्या होगा, जो नुकसान हो गया था तो वो तो हो गया। अब डॉलर वंस 80 पे 200 क्रॉस कर रहा है और अब आप बात कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं थी ये डिवैल्यूएशन की। ये डिवैल्यूएशन करने वाले जाहिल हैं। ये जितने भी बाहर से आते हैं पढ़ लेते हैं, ये जाहिल हैं, जाहिल मुतलक हैं, जो के डिवैल्यूएशन कराते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। जरूरत ही नहीं थी इनको, और इनको समझ नहीं आई कि जितना हमारा कर्जा है वो डबल हो गया। अगर पहले 30 बिलियन था तो अब हमें 60 बिलियन देना पड़ेगा। मगर कोई मसला नहीं है पीपुल्स पार्टी के लिए, इनके लिए मसले हैं। इसलिए कि ना इसको जन है ना तन है। मैंने एक पीपुल्स पार्टी का जो हक है या पीपुल्स पार्टी का जो फर्ज है मुझ पे, वो मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके समझ के किया है। बीवी साहब कहती थी कि मुझे, मैंने सियासत को नहीं चूज किया, सियासत ने मुझे चूज कर लिया। और हमारे साथ ये आलम है कि हमने खुद मांग के सियासत मांगी है, हमने बीबी से रिश्ता जोड़ के, फकीरों के को कह के, दुआएं करा के बीबी से रिश्ता जोड़ा है। तो हमसे, हमें वो अमानत में ये अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी, अपने बुजुर्गों की पूंजी, अपने वालदेन की पूंजी, अपने वर्करों के हर जगह खून पसीना, इन सब की कमाई मेरी झोली में डाल दी। अब उसके बाद मेरे पास इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उसने मुझे खुद गाइडेंस दी, हर जगह मुझे खुद गाइडेंस देती है। बीबी साहिबा मुझसे बात करती है, आप समझते हो मैं मजाक करता हूँ, वो मुझसे ख्यालों में मेरे साथ रहती है। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर बीबी होती तो क्या करती, अगर इस तरह पार्टी होती, वोटर साहब होते तो क्या करते, क्या इशू होते,
और उन सब कुछ सोच के मैं आइडिया निकालता हूँ। बता के गया था कि मैं जेल जा रहा हूँ। मुखिया तेरा छह न्यायाधी गोलियाजी, मुखिया तेरा छह न्यायाधी गोलियाजी, अली बाबा जी। जितने भी बच्चे जहाँ भी जाता हूँ और जो उनसे मुझे प्यार मिलता है, जो आवाम से प्यार मिलता है, मैं उस जोर पे चलता हूँ। आपकी एनर्जी है, इसके जोर पे मैं चलता हूँ और सबको आंख में आंख डाल के बात करता हूँ। जरूरत ही नहीं I love you. मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भक्तो। किसी दोस्त ने सही कहा मगर कुछ अल्फाज अलग इस्तेमाल किए। मैंने असेंबली में खड़े होकर पहले दिन इनको कहा कि ये आपने बना तो लिया है चूचों का मुरब्बा, मगर ये चलेगा नहीं, ये चल नहीं सकता।